झूठन वाले सियाने भारत की बर्बादी का पहला नंबर है। नाम धर के सेठ बने, जय हो गुरुदेव, तो धर के कोई करोड़ी ना, भिखमंगा को बचन फैले, घर घर फैलावे झोली, धर घर फैलावे झोली, भाइयों घर घर फैलावे झोली ना, भिखमंगा को बचन फैले, घर घर फैलावे झोली ना। अरे पानी में जो घी निकले, जय हो गुरुदेव, इसलिए बहनाओ तुम किसी भी सियाने को अपना हाथ मत दिखाना। भारत की नारी एक बार हाथ जिसे दे देती है अपना, मर सकती है लेकिन फिर ये हाथ किसी और को नहीं देती। महाराणा प्रताप का लड़का विक्रम, इसकी बारात गई तो इसकी साली ने सोचा चलो बहनोई से मिले आए। आई उसने बहनोई का सम्मान किया, लेकिन जब विक्रम ने बाकी उंगलियां पकड़ ली, काल रूप हो गई शेरनी, तलवार लेकर के मारने को दौड़ी अपने बहनोई को, लेकिन उसकी मां ने पैर पकड़ लिए कि बेटी अगर तुमने इसे मार दिया तुम्हारी छोटी बहन विधवा हो जाएगी। तो उस लड़की ने उसी वक्त तलवार से अपनी वो उंगली काट डाली जो बहनोई ने पकड़ी थी। कहने लगी जा उंगली अब मेरे लायक नहीं, मेरे पति के लायक नहीं, जाने बुरी नजर से मेरी उंगली पकड़ी है। अंदाजा लगाइए बहनाओ तुम्हारा धर्म कितना जटिल है, कितना मजबूत है। रानी सुनीति पतिव्रता है, एक दिन राजा दरबार को खत्म करके महलों में गए। रानी सुनीति ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, लोटा में पानी दिया अपने पिया को, राजा ने पानी पीकर जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा कि गोदी में सर रख के रख के महारानी सुनीता फपक फपक के रोने लगी। राजा ने एकदम से सर अपने हाथों में लेके सामने किया और बोले क्या बात है तुम रो रही हो, क्या घर के नौकर ने आज्ञा का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की। रानी सुनीता कहने लगी पिया नौकरों की क्या हिम्मत, हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया, क्या मतलब। तो कहने लगी सुनो पिया इतने दिन तक ना संतान हुई दुनिया सब हंसी उड़ाती है, इतने दिन तक ना संतान हुई
सब हंसी उड़ाती है, कोई पिया को निबल बताती है, कोई हमको बांझ गांव की औरतें इकट्ठी हो गई, पीठ फेर के खड़ी हो जाती और कहती बहन आज बांझ को मुंह देख लो। तो एक कहते जब बांझ ना जा को दूल्हा कमजोर है, दूसरी कहती है कि बहन अगर इसका दूल्हा कमजोर है तो इसका कोई दोष नहीं, ये बातें हमसे सुनी नहीं जाती, मैं इसलिए रोई हूं। महाराज बोले पागल आंसू पहुंच।